पीछे कोई नहीं है सिवाय गाली देने के, सिवाय कोई ना कोई उल्टा सीधा धंधा करने के। जब नौकरियों की बात करते हैं कहीं भी जा करके खड़े हो जाएंगे और उल्टे सीधे कोई ना कोई आरोप लगाकर कोर्ट में जाकर के भर्ती रोकने का काम करो, किसी तरीके से भर्ती हो ना जाए। और हम अडिग हैं, कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे, ठीक बात के लिए लड़ेंगे। अभी सीईटी के एग्जाम हो रहे हैं, सीईटी के एग्जाम में ग्रुप सी और डी दोनों की नौकरियां पाइपलाइन में हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, आज युवा दिवस है, आज मैं इस बात की जानकारी दे रहा हूं कि जो हमने ग्रुप डी की सीईटी की परीक्षा ली हुई है, लगभग 3.25 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है, आज शाम को उसका रिजल्ट आएगा, 2 लाख से ऊपर बच्चे उसके अंदर पास हो रहे हैं। और आने वाले 15 दिन के अंदर अंदर जो उसमें 13,000-13,500 नौकरियां हैं, तुरंत बिना इंटरव्यू के जैसे ही रिजल्ट फाइनल होगा, क्योंकि एक परीक्षा जो ग्रुप डी की हो गई है उसका तो रिजल्ट आएगा, ग्रुप सी की जो परीक्षा है वो लगातार अभी भी चल रही है, उसके अंदर कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि अब परीक्षाएं लेते जाओ, इनका रिजल्ट निकलते जाओ। तो आने वाले जो अपनी लोकसभा की आचार संहिता होगी उससे पहले पहले ये 60,000 नौकरियां अगले 2 महीने में लोगों को 60,000 नौकरी से भरपूर हम देंगे। तो इसलिए मैं तो इतना ही अब आज के